हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सो कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू आर चैनल, दैट इज़ अन अकेडमी 11th एंड 12th। एंड यू आर वॉचिंग लाइव डेली, जहाँ पे रोज सुबह हम आते हैं एंड आपके टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो आज हम बात कर रहे हैं आपके 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर के बारे में, विच इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंड इन टुडेज़ सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलिनेशन प्रोसेस, कि पॉलिनेशन एक्चुअली क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे पॉलिनेशन होता है, क्या क्या पॉलिनेटर्स हैं। सो ये सब चीज़ें मैं आज के सेशन में आप लोगों से डिस्कस करने आऊँगी। ठीक है, सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर टुडेज़ क्लास? सो लेट मी सी कि कौन कौन से बच्चे हैं जो ऑनलाइन है। जस्ट अ सेकेंड बेटा। सो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? प्रियंका, आंचल, सिद्धार्थ, आदिन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो होप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करो एंड मैक्सिमम शेयर चाहिए मुझे, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमको ज्वाइन कर सकें। ठीक है, ओके। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे वो भी हैं जो मेरे प्लस के स्टूडेंट्स थे। एम आई राइट? यस और नो? यस। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अन अकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, बट कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। सो उनके लिए मेरे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है आज के सेशन में। ठीक है, एंड मोर ओवर होप आप लोगों को मेरा नाम पता होगा। आई एम डॉक्टर छवि, आई एम PhD इन जूलॉजी विद मोर देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम ऑल्सो नेट GRF क्वालिफाइड। आई वॉज ऑल्सो इंस्पायर फेलो ड्यूरिंग माई PhD। And please share it with the maximum people with the hashtag live school daily। Lockdown के time पे जब हमारे schools बंद है, हम फिर भी अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, हम फिर भी अपने 12th class board के exams की preparation कर रहे हैं। ठीक है, all because of an academy, right? So let's start। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि an academy ने start किया है 11th and 12th, and हम लोग रोज सुबह YouTube पे जो हमारा लाइव डेली सेशन चलता है, जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, जिस तरह अब सेकंड चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स अब चल रहा है। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, अन अकेडमी हैज़ स्टार्टेड द 9th 10th ऑल्सो। सो अगर आपको अपने CBSE एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेने हैं, देन वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब इट। जिन जिन बच्चों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, डू इट राइट नाउ। ठीक है, सो इसको जल्दी से जल्दी प्रेस करो नाउ। वन मोर थिंग आई हैव फॉर यू बेटा, इफ यू वांट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 month, अगर आपको फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट 1 month सब्सक्रिप्शन यू आर गेटिंग जस्ट एट ₹99, सिर्फ ₹99 में सब्सक्रिप्शन लेना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें। एंड जो हमारा सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो 1 month का है ₹2500, विच यू आर गेटिंग जस्ट एट ₹99, जिसमें आपको मिल रही है लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस, लीडर पोल एंड लाइव पोल्स आर देयर। उसके अलावा आपकी 1-on-1 क्लासेस है, आप टीचर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे इंटरेक्शन करके बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना? एम आई राइट? चलिए, उसके अलावा वहाँ पे क्या होगा, और आपके टेस्ट सीरीज भी हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो जिसको आप इंजॉय कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ताकि आप अपने CBSE एग्जामिनेशन में एक लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वो ना पड़ते हुए, कि लॉकडाउन है तो हम क्लासेस नहीं जा पा रहे, हम अपने ट्यूशंस नहीं जा पा रहे, हमारे कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पा रहे। सो यहाँ पे अन अकेडमी के साथ आप ये सब चीज़ें की पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपका कोई बहाना नहीं चलेगा कि लॉकडाउन है, क्योंकि आप लोग अपने घर में बैठे हो, अपने एक एनवायरनमेंट में बैठे हो, घर का अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सो विल यू डू दिस? सब्सक्रिप्शन लोगे आप सब लोग? सो डू इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि भी आपका कितने टाइम तक लास्ट रहेगा। दिस इज जस्ट एट ₹99, एंड यू कैन यूज माई कोड, दैट इज CHLIVE। इफ यू विल यूज दिस कोड, 2500 का सब्सक्रिप्शन है, दैट यू विल गेट जस्ट एट ₹99। सो माई नेम इज छवि, एंड फर्स्ट टू अल्फाबेट अगर आप यूज करोगे अलॉन्ग विद द लाइव, यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन एट जस्ट एट ₹99।
ठीक है? ओके, सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका वन मंथ का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, विच यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज 2500 रुपीज पर मंथ, एंड दिस 2500 रुपीज पर मंथ यू आर गेटिंग जस्ट एट ₹99. ठीक है, ऐसे ही आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन वट एक्चुअली यू नीड. ठीक है, एंड यू कैन यूज दिस कोड, दैट इज अ CHLIVE. इफ यू विल यूज दिस कोड यू विल गेट एडिशनल 10% ऑफ, आपको और भी ज्यादा 10% ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया आप सब लोगों को? सो अगर आप अपना 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखोगे वो आपको मिलेगा 9000 रुपीज में, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखोगे दैट यू विल गेट एट 11,250 रुपीज में. ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई हैव फॉर यू, यू कैन अवेल ऑल दीज थिंग्स एंड इन EMI ऑल्सो. ठीक है, अगर आपको 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए सो आप अवेल कर सकते हैं इन EMI, लाइक वी हैव अ EMI ऑप्शन ऑल्सो. ओके बेटा, सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा. अगर आप प्लस पे हो तो वील ट्राई कि सितंबर, बाय द सितंबर एंड हम आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी फिनिश कर ले, ताकि हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर पाए, ताकि हम डाउट क्लियरिंग सेशन इकट्ठे कर सके, ताकि बच्चों के जो भी डाउट हैं उसको हम क्लियर कर लें. ठीक है, बाकी आप लोगों को पता ही है कि एवरी 4th क्लास जो हमारी प्लस पे होती है वो आपकी डाउट क्लियरिंग होती है. तो अब आपका चैप्टर खत्म नहीं होता, उससे पहले हमारी डाउट क्लियरिंग क्लासेस पहले आ जाती हैं, ताकि आपके पास जो चैप्टर आधा भी हुआ है उसमें जो डाउट्स है वो भी हम ले सकें, है ना? सो ये बेनिफिट्स हैं आपको सब्सक्रिप्शन लेने पे. सो डू इट एज सून एज पॉसिबल. ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. आप ऐसे किस किस बच्चे को ये पता है कि पॉलिनेशन क्या चीज है? सबसे पहले मुझे बताओ कि मैम पॉलिनेशन हम लोगों को पता है या उसकी डेफिनेशन जो भी है, जस्ट राइट इट डाउन. यस, काफ़ी सारे बच्चे न्यू हैं आज की क्लास में, सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है. स्टूडेंट्स बेटा, इस चीज़ को मैक्सिमम शेयर करो ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाएँ. ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है पॉलिनेशन, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पॉलिनेशन प्रोसेस, दिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर CBSE बट आपकी नीट के लिए भी ज़रूरी है, है ना? कोई एंट्रेंस इज नॉट ओनली ई नीट, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लोगे उन सब के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इनफैक्ट ये आपका पेज जो है ना, ये CBSE में एज अ 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है. सो इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी यहाँ से निकल सकता है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट 1 मार्क के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं, जो मैं साइमल्टेनियसली आप लोगों से पूछती चली जाऊंगी. ठीक है, सो मुझे आंसर्स मिलेंगे, येस और नो, आर यू गाइज एक्साइटेड? वेरी गुड. सो बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया है. सबसे पहले आई एम सॉरी अगर मैं बात नहीं बता पाऊंगी. सो जया ने आंसर दिया है, जया ने आंसर दिया है, देन मेरे को शिल्पा का आंसर मिला है. ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दे दिया है. आदिन ने आंसर दे दिया, आदिन वेल डन. प्रियंका का आंसर आ गया है, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप PCMB के स्टूडेंट हो तो इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, इसे बायो तो है ना, आपको बायो तो पढ़नी है ना आप लोगों को. सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिनेशन प्रोसेस. पॉलिनेशन प्रोसेस में जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है वेल डन, मतलब आप लोगों को कुछ तो पता है. कुछ क्या, बहुत कुछ पता है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है ना. सो देखो क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पॉलन्स. कैन यू सी दिस? ठीक है, पॉलन्स कहाँ प्रेजेंट है आपके, यहाँ पे प्रेजेंट है ना. यहाँ पे जैसे ही पॉलन प्रेजेंट है, इन पॉलन को ट्रांसफर करना स्टिग्मा तक, दिस इज वॉट वी कॉल इट एज अ पॉलिनेशन. ठीक है, इसी को पॉलिनेशन का नाम दिया जाता है. अब पॉलिनेशन को करने के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है, जिनको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं. ये पॉलिनेटर्स आपके जिंदा भी हो सकते हैं और आपके मरे हुए भी हो सकते हैं. जिंदा का मतलब है दैट दे कैन बी एनी एनिमल. ठीक है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ये आपके सर्टन एबायोटिक एजेंट्स आर ऑल्सो देयर. एबायोटिक एजेंट्स मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो नॉन लिविंग आपके कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपकी हवा चली, पॉलन्स को उड़ाते हुए लेके चली गई. ठीक है, ऐसे ही पानी के थ्रू भी दे ऑल्सो ट्रेवल. सो देयर आर सो मेनी मीडियम बाय विच दे ट्रेवल. ठीक है, सो इफ यू आई हैव टू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन, आई कैन से दैट इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है, ईदर ऑन अ सेम प्लांट, ईदर ऑन अ सेम फ्लावर और ऑन अ डिफरेंट प्लांट फ्लावर. ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. यह हमें जरूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है ना,
आप लोगों को ये पता है जब हम पॉलन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पॉलन्स के पास क्या होता है, द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। जब उस होप यू रिमेम्बर द प्रीवियस सेशन, जिस जिस प्रीवियस सेशन देखा है वो रेज योर हैंड, वो थम्स अप दिखाओ कि मैम हमने प्रीवियस सेशन देखा है, ठीक है। सो अगर आपको याद हो, जब भी पॉलन स्टिग्मा के साथ अटैच होता है तभी उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होते हैं। अब जैसे कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होंगे वहां पे गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी, मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही बेटा मेल गैमेट बना, अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी एंड फर्दर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना, ये बात आ गई समझ में। सो हमें क्या करना है, पॉलन को उड़ाते हुए लेकर आना है अपनी जगह से, कौन सी जगह से, एंथर से उड़ाते हुए लेकर आना है और पहुंचा देना है आपके स्टिग्मा के पास। सो दिस इज व्हाट अ पॉलिनेशन इज। यहाँ पे कुछ समरटा हम लोगों ने नहीं, हमने वही चीज पढ़ी जो हमने 9th 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली पॉलन पॉलिनेशन इज, लेट्स सी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। क्लियर। नाउ पॉलन ग्रेन्स आर इमोबाइल, क्या वो पॉलन ग्रेन्स मोबाइल होते हैं, नहीं वो इमोबाइल होते हैं। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, जब हम पॉलन के बारे में डिस्कस करते हैं, पॉलन के पास क्या है, आपका मेल गैमेट, है ना। जब हम आपके स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के बारे में बात करते हैं, ओवरी के पास क्या है, फीमेल गैमेट। सो यही तो फर्टिलाइजेशन है एंड दिस इज व्हाट वी वांट, हम यही तो चाहिए हम लोगों को कि हमें इन दोनों को फर्टिलाइज कराना है एंड हमें एक जायगोट प्रोड्यूस कराना है, यही तो हम लोगों को चाहिए। सो दिस इज टर्म्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के अंदर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना विच इज अ पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाना है आपके स्टिग्मा के पास, ठीक है, एंड वो क्या है, मूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है। एंड दीज पॉलिनेटर्स दे आर एक्चुअली द एक्सटर्नल एजेंट्स, दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा बाय देमसेल्फ, एन एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड, राइट। एंड दीज एक्सटर्नल एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, ये आपके हवा भी हो सकता है, ये आपका पानी भी हो सकता है, ये कोई भी एनिमल हो सकते हैं, ग्रेविटी भी हो सकता है और ग्रोथ कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। सो यहाँ पे एक नई चीज मिलेगी आपको, ग्रोथ कॉन्टैक्ट, जो शायद आप लोगों ने 9th 10th में नहीं पढ़ी होगी। एम आई राइट, ठीक है। सो ग्रोथ कॉन्टैक्ट भी एक फिनोमिना है विच यू विल लर्न टूडे। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ सो बेटा एक बच्चे ने बोला कि मैम हमें कोई डाउट है, बेटा मेरे को वो कमेंट्स ऊपर चले गए हैं, तो आप दोबारा लिख देना, या तो फिर आप डाउट, अगर वैसा कोई डाउट है तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है एंड हम लोगों को टॉपिक क्लियर कराना पड़ता है, कराना है, जैसे लाइक माई मोटिव इज कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, पॉलिनेशन प्रोसेस में बहुत छोटी सी चीज़, अभी बहुत जनरल डिस्कशन करेंगे, अभी आपको लग रहा होगा अरे ये तो मैंने 9th में पढ़ रखा है, ये तो मैंने 10th में पढ़ रखा है ना, अभी ऐसा लग रहा होगा। अभी ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी ना, जब ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो, तब आप, मैं आपसे पूछूंगी कि आपको ये चीज़ें पता है या नहीं पता। चलिए सर, सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा फ्लावर, फ्लावर पे आके बैठी एक बहुत सुंदर सी बी, ठीक है। यहाँ पे वो जैसे ही बैठेगी वो क्यों आएगी यहाँ पे, क्योंकि फ्लावर ने उसको अट्रैक्ट किया, क्योंकि इस बी को इस फ्लावर से चाहिए नेक्टर, है ना। सो इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपके जो बीज आएंगी वो आएंगी ताकि वो नेक्टर कलेक्ट कर सके, ठीक है। और उसके अलावा उनके पास एक बैग भी होता है ना, आप लोगों को पता है, दे हैव अ पॉलन बैग। अब वो उस बैग के अंदर क्या होगा, ये पॉलन कलेक्ट कर लेंगी, ठीक है ना। देखो, एक आया, मतलब बी आई, वो प्लांट के ऊपर बैठी एंड उन्होंने नेक्टर सक किया, साइमल्टेनियसली देयर बॉडी विल बी डस्टेड विद द पॉलन्स। जैसे ही उनके बाद पॉलन हुआ, वो क्या करेंगी, दूसरे प्लांट बॉडी पे जाएंगी, दूसरे फ्लावर बॉडी पे गई एंड वहाँ से उन्होंने जब नेक्टर कलेक्ट करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे जैसे ही उनकी बॉडी रब हुई दूसरे के ऊपर, जैसे ही रब हुई तो क्या हुआ, उन्होंने पॉलन को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर। सो यही क्या हुआ, जाने अनजाने में एक बहुत अच्छा इवेंट हो गया जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब एक बात बताओ, जरूरी तो नहीं ना कि ये भी सेम तरह के प्लांट पे, सेम तरह के फ्लावर पे जाके बैठेगी, किसी और प्लांट पे भी बैठ सकती है। इसी वजह से बहुत सारे पॉलन्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए एक प्लांट बहुत सारे अमाउंट में पॉलन्स को प्रोड्यूस करता है ताकि मैक्सिमम पॉलन्स पहुंच सके फीमेल गैमेट्स के पास, ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इंश्योर किया जा सके। अब मेरी तरफ से आपको आया एक क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि जब हम बात करते हैं बेटा पॉलन्स की,
पॉलन्स की जब हमने डिस्कशन किया, हमने देखा कि पॉलन उड़ उड़ के पहुंचा आपके फ्लावर के पास, ठीक है, दूसरे फ्लावर के पास पहुंचा और स्टिग्मा पे आके स्टिक हो गया। तो जब वो उड़ के आ रहा है, जब वो एंथर से अटैच है और रास्ते तक, क्या उसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है या मेल गैमेट की फॉर्मेशन स्टिग्मा पे अटैच होकर ही होगी? व्हाट इज योर राइट आंसर? आंसर मी राइट नाउ, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ। चलिए, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर देते जा रहे हैं, ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को? मुझे इसका आंसर चाहिए फटाफट से। यस, किसने आंसर दिया? मुझे जया ने आंसर दिया कि मैम मेल गैमेट्स फॉर्म्स ऑन स्टिग्मा, बिल्कुल सही शिल्पा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर मुझे दे दिया, शिल्पा, आंचल, आदर्श, आई गॉट योर आंसर, वेल डन प्रियंका, वेल डन प्रियंका, मतलब प्रियंका अब आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सो बेटा जी, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, जब वो ट्रांसफर होगा तभी ही ट्रांसफर, तभी ही वहां पे मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ पॉलिनेशन जो होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे बीच बीच में बोल रहे थे, मैम ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है, मैम ये तो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, एक कन्फ्यूजन है ना आप लोगों को। सो आज मैं ये दोनों डाउट आप लोगों से क्लियर कर लूंगी कि भाई आप लोगों को बहुत डाउट रहता है कि मैम सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। सो लेट्स डिस्कस दिस। ओके, और क्वेश्चन आने वाला है बेटा, गेट रेडी। सो पॉलिनेशन आपका दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब आप में से कौन सा बच्चा मुझे ये बताएगा कि ए और चलो सेल्फ पॉलिनेशन मैं ही आपको बता देती हूँ। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही फ्लावर पे या फिर एक ही प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो दो टाइप की होती है, एक ऑटोगैमी और दूसरा होता है गिटनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है सेम फ्लावर पे ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसका गिटनोगैमी का मतलब है जो दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है। अब मुझे आंसर दो, जो ए है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑटोगैमी इंडिकेट कर रहा है या गिटनोगैमी इंडिकेट कर रहा है? ए, व्हाट इज ए बेटा? ओके, आफ्टर अटैचिंग विद द स्टिग्मा, भारती आंसर मिल गया, सब मूवीज आंसर, वेल डन। चलो 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 बेटा, मुझे आंसर दो, ए क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट एक्चुअली दिस ए इज? ए बोला बच्चों ने ऑटोगैमी। सबसे पहले आदिन ने आंसर दिया, वेल डन आदिन। देन वी हैव विकास विद अस, वी हैव जया, अरे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, ये तो वेल डन वेल डन। बेटा मुझे सबके आंसर चाहिए, सारे के सारे कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाओ साइमल्टेनियसली। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सब ने आंसर दे दिया, मतलब मुझे जितने बच्चे देख रहे हैं उन्होंने आंसर दे दिया। क्या आप सब लोगों ने वीडियो को लाइक किया है? देखो जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा ना उतना ज़्यादा मैं तो बिल्कुल एनर्जी से पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। सो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता जाएगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी बहुत अच्छा अच्छा आगे उतने ही एंथुजियाज्म से आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो आप लोगों को पता लग गया ऑटोगैमी का मतलब है सेम फ्लावर में। सो ये ए हो गया आपका ऑटोगैमी। दूसरा है, आप बताओ बी क्या इंडिकेट कर रहा है? बी बी बी, टेल मी व्हाट डज बी इंडिकेट? ओके, जल्दी बेटा जल्दी आंसर मी। यस, सबसे पहले फिर से आदिन ने आंसर दिया, आदिन वेल डन, गिटनोगैमी इज द राइट आंसर। अब देखो ध्यान से देखो,
जब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर की, ये वाला जो फ्लावर है ये आपका हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट पता है ना आप लोगों को, यानी कि मैं बात कर रही हूँ आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। सो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है यहीं से उड़ते हुए चल रहे हैं और यहीं से वो पहुँच गए आपके स्टिग्मा के पास, ठीक है। सो यहाँ पे जो पॉलिनेशन हुआ उसको कहेंगे ऑटोगैमी, यानी सेम फ्लावर पे वो घूमते चले जा रहे हैं। दूसरा हो गया आपका, एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर की तरफ तो जा रहे हैं, बट वो दूसरा फ्लावर धोखा उनके साथ ये हो गया कि दूसरा फ्लावर भी उसी प्लांट पे ही अटैच्ड है। इसको नाम दिया जाता है गिटनोगैमी। सो बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपके नीट में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, आपके सीबीएसई के एक मार्क के क्वेश्चन में जरूर आएंगे, गारंटी दे रही हूँ। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा आज के सेशन का, बता रही हूँ मैं आपको। सो यू हैव टू बी रेडी। अगला है आपका क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी। सी क्या इंडिकेट करता है, अब ये तो पता लग ही गया होगा मैम, बच्चा कुछ तो रहा है, सीनोगैमी तो वही होगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखो ये जो प्लांट है, हमारा जो प्लांट प्रेजेंट है, यहाँ से हमारा पॉलन उड़ता उड़ता दूसरे प्लांट पे पहुंच गया एंड वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया। सो इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इज इट क्लियर। अब एक बात बताओ मुझे, एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरी तरफ से आप लोगों को, जब हम ए के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, क्या ए के लिए जब हमें ऑटोगैमी करानी है क्या हमें पॉलिनेटर्स की जरूरत है, यस और नो? अरे वाह, बहुत सारे बच्चे इतने एक्टिव होके आंसर्स दे रहे हैं ना, मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो ऐसे ही मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए हर क्लास के अंदर, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, उतने ज्यादा मुझे आंसर्स मिलने वाले हैं। कैसे बेटा, कैसे मिलेगा, कैसे यहाँ पर पॉलिनेटर की जरूरत होगी, आप खुद बताओ, ए को क्यों जरूरत है पॉलिनेटर की, आपस में ही तो उन्होंने घूमना है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब बी होगा तो बी में पॉलिनेटर की जरूरत होगी, जरूरत होगी, क्योंकि वो बेचारे तो नॉन मोटाइल है, दे के नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये वो वाले मेल गैमेट नहीं है जो एक स्पर्म होता है जिसके पास एक टेल प्रेजेंट होती है, अपना टेल से घूमते 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 चले गए एग के पास, ये वो वाले नहीं है, ये तो वो है जो इनको हमेशा पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। सो बी में इनकी जरूरत पड़ेगी। अब है सी में, सी में तो डेफिनेटली पड़ेगी, अब बेटा उनको जाना इतनी दूर जाना है तो उनको क्या जरूरत होगी पॉलिनेटर्स की। अब हम जब पॉलिनेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एबायोटिक एजेंसीज, दूसरा होता है आपका बायोटिक एजेंसीज। सो नेम इटसेल्फ इंडिकेट, एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। सो इसमें आ गया आपका हवा और इसमें आ गया पानी, ये दोनों के दोनों चीजें जब पॉलिनेशन कॉज करती हैं itself, इसको एक नाम दिया जाता है, जब विंड से पॉलिनेशन होती है वी कॉल इट एज अ एनिमोफिली, जब आपका पानी से पॉलिनेशन होती है तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। सो इसके नाम ही काफी है, क्या इसका नाम काफी है, इसके नाम से आपको समझ में आ जाएगा, हाइड्रो मतलब पानी, एनिमो मतलब एयर, आ गया समझ में। उसके अलावा जो बायोटिक एजेंट्स हैं, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें आते हैं आपके एंटोमोफिली, एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट्स, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोगों को पता है, जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, एंड 80% जो पॉलिनेशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज इंसेक्ट्स ओनली, एंड इस तरह की पॉलिनेशन को कहते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। दूसरा हो गया आपका चिरोप्टेरोफिली विच मीन्स बैट्स, यस बैट्स भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अ मेलाकोफिली, मेलाकोफिली का मतलब है स्नेल, जी हाँ स्नेल भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अ ऑर्निथोफिली, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपके बर्ड्स के बारे में, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। सब लोगों को पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या मैकेनिज्म है ना, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स, लेट मी टेक अ पेन, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। देखो अब एक बात बताओ, जितनी भी डेफिनेशंस आएंगी ना उसमें एक चीज, एक लाइन तो इतनी कॉमन रहेगी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बट यहाँ पे क्या होगा, ईदर ऑन अ सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, यानी कि या तो सेम फ्लावर से उड़ता हुआ सेम फ्लावर में पहुंच गया, या तो फिर दूसरे फ्लावर में पहुंचा बट वो दूसरा फ्लावर भी एक ही प्लांट पे अटैच्ड है। इसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन आपके दो तरीके का होता है, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी, ये हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में पढ़ लिया,
Yes or no? Well done. Okay. Now, ऑटोगैमी के बारे में डिस्कस करते हैं. ऑटोगैमी का मतलब है सेल्फ मैरिज. इसमें देखो क्या होता है. लेट्स सी. इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच एन इंटरसेक्सुअल और अ परफेक्ट फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन. यानी कि मेरे पास जो फ्लावर है ना, उसके पास दोनों स्ट्रक्चर है. उसके पास मेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है. ठीक है, यानी मैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. सो वहां पे इस तरह की पॉलिनेशन पॉसिबल है. अब एक और चीज मैं आपसे पूछती हूँ, जब हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, ठीक है, या हमारे पास कोई एक प्लांट है, उसके पास या तो उसके पास पिस्टिलेट फ्लावर है या फिर स्टेमिनेट फ्लावर है. सो अब मुझे एक बात बताओ कि इस तरह के फ्लावर में ऑटोगैमी पॉसिबल है. जल्दी बताओ, पॉसिबल है, यस और नो? आंसर मी राइट नाउ. हाँ बेटा, आपने जो क्वेश्चन पूछा है सिद्धार्थ बेटा, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको जरूर बताऊंगी. अभी हम साइमल्टेनियसली जैसे ही प्रोसीड करेंगे, इन सब के बारे में डेप्थ में हम स्टडी करेंगे. एंटोमोफिली के क्या एग्जांपल है और इन सब के क्या एग्जांपल है. ठीक है, आगे बात समझ में. ओके ओके ओके, यस, वेल डन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका जो ऑटोगैमी है, इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा आर वेरी क्लोज टुगेदर. अगर वो बहुत ही क्लोज हैं तभी उसमें पॉसिबल है कि उसमें ट्रांसफर पॉलन होगा. अब देखो फ्लावर है, फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट है आपका स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी स्ट्रक्चर. याद है ना सबको, फ्लावर का लास्ट सेशन में पढ़ा था. उसके साथ आपके फिलामेंट प्रेजेंट है और एंथर प्रेजेंट है. अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों आपस में पास पास प्रेजेंट है तो पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, है ना. अगर वो बहुत ज़्यादा पास पास प्रेजेंट है तो दिस इज द एडवांटेज. ये तभी इसी केसेस में पॉसिबल है. एक और केस क्या पॉसिबल है, सपोज करो हमारा जो फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर, फ्लावर को हम बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं बड पॉलिनेशन, बड में. सो अगर बंद है तो क्या बाहरी पॉलन आके इसको फर्टिलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. सो बड के फॉर्म में भी पॉलिनेशन पॉसिबल है. ठीक है, अंदर ही अंदर सब चीज़ें हो जाएगी. और जब पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन के बाद अगर फ्लावर खुलता है तो अब क्या फ़ायदा, है ना. अब कोई फ़ायदा नहीं ना. चलिए, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो ऑटोगैमी तीन मेथड से हो सकते हैं, तीन मेथड से हो सकते हैं. सबसे पहला है, ऑटोगैमी कैन बी पॉसिबल इन आर चैस्मोगैमस फ्लावर. चैस्मोगैमस फ्लावर को कहते हैं ओपन फ्लावर. ये फूल हमारा खिला हुआ फूल है. यहाँ पे पॉलिनेशन, यहाँ पे जो ऑटोगैमी है पॉसिबल हो सकती है इन द सिचुएशन कि अगर हमारा मेल गैमेट, यानी कि अगर हम एंथर के बारे में बात करें, या एंथर ये आपका फीमेल के साथ बिल्कुल अटैच्ड है. ठीक है, दोनों ने ग्रोथ एक दूसरे के बेंडिंग करते हुए करी है कि वो दोनों आपस में पास आते चले गए. ठीक है, इसको कहते हैं होमोगैमी. ध्यान से देखो क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ चैस्मोगैमस. कहीं भी ये वर्ड आपको मिलता है, एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपके ओपन फ्लावर्स के बारे में. दे आर ब्रॉट टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग एंड फोल्डिंग. सो दोनों के दोनों एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास आ गए. क्या अब होमोगैमी पॉसिबल है, ऑटोगैमी पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है. सो इसमें आपका एग्जाम्पल है किथेरेंथस. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ स्टाइल, स्टाइल का जैसी ग्रोथ होता है, स्टाइल मतलब हो गया आपका स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. सो स्टाइल जैसे ही आया आपके एंथर की तरफ, ठीक है, वो जैसे ही ग्रो करेगा वो अपने एंथर की तरफ को ही ग्रो करेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? सो एग्जाम्पल वी हैव इज कैथेरेंथस. नेक्स्ट इज अ क्लिस्टोगैमस और क्लिस्टोगैमी. देखो ध्यान से सुनना, द फ्लावर्स आर इंटरसेक्सुअल, दे रिमेन क्लोज टू कॉजिंग सेल्फ पॉलिनेशन. पहला था होमोगैमी, दूसरा है क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी मतलब यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं हमारे बंद पोजिशन में, अब वो बंद हैं, बाहर से आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए तो वो कोई पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे पॉलिनेशन हो पाएगा. ठीक है, क्लिस्टोगैमी कब होता है, अकर लेट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें एग्जाम्पल ये आपके एग्जाम्पल बैल्सम, उक्सालिस, वियोला, ठीक है, कॉमेलिना, दीज आर द एग्जाम्पल्स.
नाउ क्लिस्टोगैमी देखो कहाँ कहाँ देखी जाती है, ठीक है, जो आपने प्लांट से एग्जाम्पल बोले थे जो मैंने बताए हैं, यहाँ पे जो आपके फ्लावर्स होते हैं ये चैस्मोगैमस भी हो सकते हैं, ओपन फ्लावर भी हो सकते हैं, या आपके क्लोज फ्लावर भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में बात करें, मतलब डहिसेंस पॉसिबल तभी हो जाता है जब वो फ्लावर है क्लोज कंडीशन में, ठीक है, क्लोज कंडीशन में है तो वो तभी डहिसेंस हो गया एंथर का, तभी पॉलन ग्रेन वहां से निकल गए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ ऑफ स्टाइल ब्रिंग्स द पॉलन ग्रेन इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा एंड द पॉलिनेशन एंड द सीड सेट आर एश्योर्ड एंड पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्या इसमें पॉलिनेटर्स की जरूरत है? नहीं जरूरत ना, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर तो सारे चेंजेस हो रहे हैं। इसलिए मैंने बार बार सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि जब हम बात करते हैं ऑटोगैमी की, क्या हमें वहाँ पॉलिनेटर्स की जरूरत है, तो आप लोगों ने मुझे खुद ही आंसर दे दिया कि मैम हमें पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है। सो अगर आप बिल्कुल अपना माइंड शांत करके ये सब चीजें अपनी आंखें बंद करके खुद ही सोचोगे तो आपके पास आंसर्स खुद ही आते चले जाएंगे। सिर्फ ये चीजें आपको जानने की जरूरत है कि चैस्मोगैमस अगर आ गया तो उसका क्या मतलब है, या क्लिस्टोगैमी आ गया तो उसका क्या मतलब है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। सो ऑटोगैमी पॉसिबल है अभी तक दो कंडीशन के अंदर, एक हो गया आपका होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है कि भाई हमारे जो एंथर और स्टिग्मा है दोनों ने एक दूसरे की तरफ बेंड करना शुरू कर दिया, फोल्ड होना शुरू कर दिया है, होमोगैमी। दूसरा आ गया क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब है कि फ्लावर जो है क्लोज्ड है, ठीक है, वहां पे इट रिमेन क्लोज, जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कॉज करता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट है आपका बर्ड पॉलिनेशन। कई जगह ऐसे होते हैं कि बर्ड के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, जब वो बर्ड फ्लावर एक बर्ड स्टेज में होता है ना तभी पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, इससे पहले फ्लावर खुले, सबको पता है कि फ्लावर पूरा खुलने से पहले वो बर्ड की फॉर्म में होता है। अगर बर्ड में ही पॉलिनेशन हो गया तो क्या वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाया जाएगा? डेफिनेटली वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाया जाएगा। क्या वो ऑटोगैमी कहलाया जाएगा? डेफिनेटली वो ऑटोगैमी कहलाया जाएगा। सो इन दिस केस द एग्जाम्पल वी हैव इज अ पी, वीट एंड राइस। पी, वीट एंड राइस, क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस 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 यस। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अ गिटनोगैमी। गिटनोगैमी का मतलब है नेबर्स मैरिज। अभी तक था कि भाई आपस में ही शादी करनी, अब है कि अपने पड़ोसी से शादी करनी। अब वो पड़ोसी क्या है? आप ही के मोहल्ले का है, ठीक है। अब वो देख, इसमें कौन से के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ मैं बताओ कौन से वाले जो यहाँ वर्ड जो यहाँ ए बी सी लिखा है, यानी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ए के बारे में, बी के बारे में, या सी के बारे में? आंसर दो मुझे फटाफट। Answer me. Am I talking gitnogamy? Me? Am I talking about A, B, or C? B, 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 B. ठीक है? So हम B के बारे में discuss कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, एक flower से आपका anther में से pollens उड़ते चले गए and वो दूसरे flower के पास पहुंच गए and धोखा ये हुआ कि वो उसके पड़ोस में ही था, ठीक है, यानी कि वो same plant पे ही attached था। So this is also an example of a self pollination. क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? यानी कि जब तो हम दो फ्लावर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो दो फ्लावर्स हैं आपके क्या है, जेनेटिकली सिमिलर है। सो दीज आर द जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। इज इट क्लियर, यस और नो? जिन जिन बच्चों ने सी का ऑप्शन दिया है, मैं उनको ये बात बता दूं कि सी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सी का मतलब ये है हम बात कर रहे हैं जीनोगैमी के बारे में। बेटा आप देख रहे हो ना, ये दोनों अलग अलग प्लांट है, यहाँ पे अलग अलग प्लांट के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ तो बिल्कुल पड़ोस वाले नेबर के बारे में बात हो रही है। तब वो देखते हैं कि वो तो सेम प्लांट से अटैच्ड है, देखो, ठीक है। सो ये वर्ड्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। मैं दूसरे मोहल्ले के बारे में बात नहीं कर रही, दूसरा मोहल्ला हो गया आपका सी, सेम मोहल्ला हो गया आपका बी, घर घर आपस में शादी हो गई, उसको कहेंगे ए, ठीक है, आगे बात समझ में? सो ऐसे ही चीजों को याद रखना। यस मैम, यस मैम, यस मैम। सो चलो अगला है आपका जो गिटनोगैमी का मतलब है। गिटनोगैमी क्या होगा? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग ईदर टू द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। सेम प्लांट में ही यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो गिटनोगैमी द फ्लावर्स आर ऑफन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वन फाउंड इन द जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर्स से अब देखो ये जो लाइन है ना, इसके बारे में मैं आपको आपसे डिस्कस करना चाहूंगा,
ध्यान से देखो, जब मैंने बोला गिट्नोगैमी के बारे में, गिट्नोगैमी हुआ कि एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक हम लोगों को पॉलन्स को पहुंचाना है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब जैसे यहाँ से पॉलन जाएंगे यहाँ पे, तो अब मुझे एक बात बताओ, पॉलन हमने पढ़ा पॉलन है नॉन मोटाइल। अब नॉन मोटाइल पॉलन है, उनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है जो बहुत थोड़े से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग थिंग क्या होगी कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना। अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्या हमें यहाँ पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी? क्या बी में हमें पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी? येस और नो, डू वी नीड पॉलिनेटर्स? येस और नो, आंसर मी राइट नाउ। यस, हमें यहाँ पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अरे वो तो नॉन मोटाइल है, अब खुद देखो यहाँ पे कोई कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट तो है नहीं। अब ये फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है तो हमें पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, जब भी हम पॉलिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉलिनेशन एक वो फिनोमिना है जिससे आपको भी फायदा हो रहा है या मुझे भी फायदा हो रहा है। देखो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भी कोई भी पॉलिनेटर, जब हम बायोटिक पॉलिनेटर के बारे में बात कर रहे हैं, बायोटिक पॉलिनेटर यहाँ पे एक फ्लावर के पास क्यों आएगा? क्योंकि उसको फ्लावर से फायदा हो रहा है। जैसे कि एक बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो इसीलिए आएंगे क्योंकि वो उनको नेक्टर कलेक्ट करेंगे वो यहाँ से। अब जैसे ही उनको नेक्टर चाहिए वो आ जाएंगे अपने फ्लावर के पास, ठीक है। फ्लावर के पास आए, फ्लावर ने क्या, फ्लावर से उन्होंने नेक्टर कलेक्ट किया, फ्लावर ने क्या किया, धोखे से उनकी बॉडी पे पॉलन्स को चिपका दिया। अब वो जैसे ही दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे वहाँ पॉलन को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे जी हाँ, हमें पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जब हम बात करते हैं गिट्नोगैमी की, यहाँ पे जो फ्लावर्स मिलेंगे यानी जो प्लांट आपके गिट्नोगैमी शो करते हैं, वो फ्लावर्स सुंदर होते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग। वो बहुत ही खुशबूदार होते हैं, ऑर्डर प्रेजेंट होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। उनके पास नेक्टर प्रेजेंट होगा, अगर हम इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। कई जगह आप लोगों को पता है कि इंटरेस्टिंग फिनोमेना भी दिखेगा, जैसे कि आप वास्प के केस में देखोगे, एक एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताऊँगी भी सही। उसमें क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर लगता है, दिखता है, सॉरी आपका जो फ्लावर होता है वो दिखता है जस्ट लाइक अ फीमेल वास्प की तरह दिखेगा। तो मेल वास्प आएगा, वो सोचेगा दैट दिस इज अ फीमेल, तो वो कॉपुलेशन करने की कोशिश करेगा। बाय द टाइम जो फीमेल, जो फ्लावर है, वो अपने पॉलन्स को डस्ट कर देगी उसके बॉडी के ऊपर, वो कहेगा मेरे को तो धोखा हो गया, तो वो ऐसे ही दूसरे फ्लावर के पास जाएगा। ऐसे ही सो दीज कीप ऑन हैपनिंग, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कोएवोल्यूशन, ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस हो सके, ठीक है। सो इसमें ध्यान से देखो, इस लाइन का मतलब समझ में आया आपको? द फ्लावर ऑफन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वन फाउंड इन द ज़िनोगैमी। वो खुशबूदार होंगे, वो कलरफुल हो, लाइक दिस, इज इट क्लियर? सो आई गेस इट इज क्लियर। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, एक म्यूचुअल फायदा हो रहा है दोनों को, ओके। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्या सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेजेस हैं? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेट्स हैव अ लुक। इट मेंटेन द पैरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्योरिटी ऑफ द रेस इनडेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता चला जा रहा है तो पेरेंट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही बच्चों के अंदर होंगे। क्रॉस पॉलिनेशन तो हुआ नहीं, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हुआ है, सो इसलिए हम पेरेंट के जो कैरेक्टर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड हमें अगर जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स होता है, जब हम बात करेंगे आपके चैप्टर जिसमें इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जब हम प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक प्योर लाइन्स की। सो सेल्फ पॉलिनेशन एक प्योर लाइन में हेल्प करता है, ठीक है। प्योर लाइन का मतलब है उनके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो प्योर होंगे अपने पेरेंट्स को लेकर। सो ये कैसे किया जाता है, देखो आर्टिफिशियली भी सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। जब हम अब हमें पर्टिकुलरली सेल्फ पॉलिनेशन ही कराना है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास बैग्स होते हैं, सो हम बैगिंग कर देते हैं प्लांट्स की ताकि कोई अनचाहा पॉलन आके उस पर अटैच ना हो सके, ठीक है। सो ये प्योर लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग साइंटिस्ट बनोगे या PhD करोगे तो वहाँ पे बैगिंग, बॉटनी में अगर आप काम करते हो, सो प्लांट्स में अगर आपका रिसर्च होता है तो वहाँ पे बैगिंग करी जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर आपका काम होगा तो, ठीक है। नाउ
द प्लांट डजंट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन्स. यहाँ पे पॉलन्स को ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करने की इसीलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पॉलन्स को कहाँ तक जाना है, पॉलन्स को या तो अपने फ्लावर पे ही पड़े रहना है या तो फिर अपने मोहल्ले वाले जो साइड वाले घर है वहीं तक जाना है, कहीं ज्यादा दूर तो जाना नहीं है. सो इसलिए नंबर ऑफ पॉलन्स यहाँ पे कम प्रोड्यूस होते हैं. बट हाँ, अगर पॉलन्स को पहुँचना एक पर्टिकुलर टारगेट या फिर कुछ मीटर दूर तक जाना है तो फिर वहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें ज्यादा पॉलन चाहिए ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस उतना ज्यादा इंश्योर हो सके. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एडवांटेज वी हैव इज प्लांट्स के पास, इसमें जो जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो हमें फ्लावर में ज़रूरत होती है कि भाई हमारा जो फ्लावर होना चाहिए वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना. सो यहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरत की बात नहीं होती जब हम बात करते हैं ऑटोगैमी के बारे में, सो वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती. बट हाँ, गिप्नोगैमी में थोड़ी बहुत ज़रूरत आती ही आती है कि हमें फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाना है. ठीक है, बट हम जब एनिमोफिली यानी कि हवा से और पानी से बात करते हैं तो वहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें फ्लावर को बहुत ही सुंदर बनाना है. ओके, इट एंश्योर द सीड प्रोडक्शन, रादर इट इज़ यूज्ड एज अ फेल सेफ डिवाइस फॉर द क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर. सो यहाँ पे जो सीड प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम ही होगा यहाँ पे, है ना. सो सेल्फ पॉलिनेट एलिमिनेट द बैड रिसेसिव कैरेक्टर्स, बैड रिसेसिव कैरेक्टर को ये एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है, बिकॉज क्या हो जाता है वो आपने पता होगा, इनब्रीडिंग. ठीक है, सो बट ये नेगेटिव पॉइंट भी है इसका, विच आई विल टेल यू. चलो एक बार एक नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं इसका. जब हम बात करते हैं जैसे कि जब हम उन मैरिजेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में हो, तो वहाँ पे जो रिसेसिव डिसीज हो जाती है उनका एक्युमुलेट होना बहुत ज़्यादा होता चला जाता है. आप लोगों को पता है ना इसके बारे में, क्योंकि अगर एक बंदे के अंदर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है जो एक बंदे के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उसी फैमिली के दूसरे जो अगर मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करें उसके पास भी अगर वो रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, अगर इन दोनों की मैरिज हो गई तो चांसेस है कि वो दोनों रिसेसिव जीन आपस में एक्युमुलेट हो जाएंगे एंड उनके बच्चों में वो एक्सप्रेस हो जाएंगे. ठीक है, आगे बात समझ में. सो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन कि यहाँ पे जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं. यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि रिसेसिव पॉलिनेशन एलिमिनेट कर देता है बैड रिसेसिव कैरेक्टर को, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे. ठीक है, वो मर जाएंगे. ठीक है, सो इसीलिए सो ये एडवांटेज भी है, इनका डिसएडवांटेज भी है. नेक्स्ट है आपका क्रॉस पॉलिनेशन और जिसको हमने नाम दिया ज़ीनोगैमी. ठीक है, इसमें क्या हुआ, पॉलन का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, बट यहाँ पे दो अलग फ्लावर में ट्रांसफर हुआ, इसको कहते हैं ज़ीनोगैमी. आप एक मेरी बात सुनना, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म है आपका एलोगैमी और दूसरा है आपका ज़ीनोगैमी. ठीक है, एलोगैमी का मतलब है एक अनरिलेटेड, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब हमें एंथर को सॉरी पॉलन को ट्रांसफर करना है, जब वो अनरिलेटेड प्लांट में ट्रांसफर करेंगे ऑफ द सेम स्पीशीज तो उसको कहते हैं एलोगैमी. जो बिल्कुल ही अलग स्पीशीज में ट्रांसफर होगा इस पॉलन का उसको कहते हैं ज़ीनोगैमी. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. नाउ द क्रॉस पॉलिनेशन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी. क्या ये सही है, क्या हमें यहाँ पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है, यस और नो? यस, हमें यहाँ पॉलिनेटर्स की बेटा जरूरत होती है क्योंकि हमें इतनी दूर हमें पॉलन्स को ट्रांसफर कराना है. इज इट क्लियर? सो ये दोनों वर्ड होगा आपको क्लियर होंगे, एलोगैमी एंड ज़ीनोगैमी. अगेन आई एम रिपीटिंग, एलोगैमी का मतलब है पॉलन को ट्रांसफर कराना फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा टू द अनदर प्लांट जो आप लोगों का अनरिलेटेड है. ठीक है, अनरिलेटेड है बट वो सेम स्पीशीज का है. जब हम बात करते हैं बिल्कुल ही जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज के बारे में, सो अगर वहां ट्रांसफर होगा उसको कहते हैं ज़ीनोगैमी. क्या कहते हैं? ज़ीनोगैमी. ठीक है, इज इट क्लियर? सो अगर कोई डाउट है तो आफ्टर दिस सेशन इज ओवर, वंस दिस सेशन इज ओवर, नीचे तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखते हैं ना, लाइक ये आपको समझ में नहीं आया या फिर ये आपको प्रॉब्लम है. अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना. ठीक है, सो अगर आप में से जिन जिन स्टूडेंट को मजा आ रहा है प्लीज उसमें कमेंट भी करना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इसमें देखो, अब इस देखो इसके अंदर मैंने सारी चीजें इकट्ठी करने की कोशिश करी है, आप समझते हैं इसको. ऑटोगैमी का मतलब है यहां से आपके एंथर उड़े, एंथर में से सॉरी पॉलन उड़े, वहीं पे स्टिग्मा पे आके चिपक गए, इसको कहते हैं ऑटोगैमी. ये समझ में आ गया आपको?
गिटनोगैमी का मतलब है आपके एंथर, यहाँ वाले एंथर से लेकर पॉलन्स उड़ते चले गए दूसरे आपके सिग्मा के ऊपर, बट वो जो फ्लावर है वो एक ही प्लांट पे अटैच्ड है. कैन यू से दिस? सो इसको क्या कहते हैं? गिटनोगैमी. सो बोथ ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट है आपका क्रॉस पॉलिनेशन. एक प्लांट है उसका ये फ्लावर है, दूसरे प्लांट का ये फ्लावर है. अब यहाँ पे अगर ट्रांसफर होगा इसको क्या कहते हैं? जीनोगैमी और अ क्रॉस पॉलिनेशन. इज इट क्लियर? बेटा मजा आ रहा है तो मुझे कमेंट्स चाहिए, कमेंट्स कर देना अच्छे अच्छे कि मैम अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी है अच्छा लगा अच्छे से कमेंट करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका एनीमोफिली. देखो जिस तरह मैंने बात करी कि प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है कोई एक पर्टिकुलर एजेंट की, ठीक है? ये एजेंट जिस तरह डिस्कस किया, ये आपके एबायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं, ये आपके बायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं. जो आपके एबायोटिक एजेंट्स होते हैं यानी कि नॉन लिविंग, उसमें सबसे पहला है आपका वो प्लांट्स जो हवा से पॉलिनेशन शो करते हैं, जिनको हवा ज़रूरत होती है पॉलिनेशन प्रोसेस की, उनको कहते हैं एनीमोफिलिक प्लांट. क्या कहते हैं? एनीमोफिलिक प्लांट. सो व्हाट इज एनीमोफिली? दिस इज अ प्रोसीजर, दिस इज अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल व्हिच इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड. सो विंड ने ही ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? एग्जाम्पल है आपका मेज प्लांट, एग्जाम्पल है आपका कोकोनट, आपका पाम, आपका डेट पाम, उसके अलावा ग्रासेस, कैनाबिस, दीज आर द एग्जाम्पल्स. इज इट क्लियर? सो एनीमोफिली आपको पता होना चाहिए विद एग्जाम्पल्स, ओके? अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूं, जब हमें पॉलन्स को ट्रांसफर कराना है हवा की मदद से, तो मुझे एक बात बताओ, तो हमारे जो पॉलन्स होने चाहिए वो पॉलन्स भारी होने चाहिए, वेट ज़्यादा होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए? हैवी और नॉट? यस और नो? दे शुड बी हैवी और दे शुड बी लाइट वेट? आंसर मी, आंसर करो मुझे. एब्सोल्युटली आदिल ने मुझे आंसर दिया लाइट वेट, ठीक है? सो वो लाइट वेट के होने चाहिए, बिल्कुल सही बेटा. लाइट प्रियंका, लाइट. लाइट वेट क्यों होने चाहिए? ताकि वो इजिली हवा से ट्रांसफर हो सके. अब मुझे एक बात बताओ, इन प्लांट्स के अंदर क्या मुझे एक ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी? ऑर्डर मतलब एक अच्छे खुशबू की जरूरत होगी? यस और नो? बिल्कुल सही, ऑर्डर की जरूरत होगी. नो मैम, विकास ने आंसर दिया नो 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 नो, काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया बेटा. हाँ जब हमें जरूरत होती है हवा की, जरूरत होती है हवा से अगर हमें ट्रांसफर करना है, तो फिर मुझे एक फ्लावर को अननेसेसरी मुझे इस चीज की वेस्टेज क्यों करानी है कि मेरे को फ्लावर जो है बहुत खुशबूदार बनाना है ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो. मुझे तो जरूरत नहीं इंसेक्ट की, या फिर फ्लावर को मैं बहुत सुंदर बना लूँ. सो इसमें एनर्जी फालतू में इसमें वेस्ट नहीं होती. सो दीज आर द अडेप्टेशंस जो आपके एनिमोफिलिक प्लांट में आपको मिलेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज जूफिली. सो नेम इटसेल्फ इंडिकेट, जू का मतलब है एनिमल्स. सो एनिमल्स की मदद से जो पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं जूफिली, मोटा मोटी के तौर पे ये कहते हैं इसको. तो इसमें आते हैं आपके बर्ड्स भी आते हैं, आपके बैट्स भी आते हैं, आपके स्नेल्स भी आते हैं, और आप लोग भी आते हो, ठीक है? आप लोगों ने कई बार ये चीज़ भी नोटिस किया होगा, कई बार आप लोग बहुत कई बार हम लोग जंगल सफारी पे जाते हैं तो आप आके देखते हो कि आपकी बॉडी पे छोटे छोटे पॉलन्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है? आपके कपड़ों पे कई बार देखा होगा बहुत छोटे छोटे पॉलन्स आके अटैच हो जाते हैं. सो ये भी क्या है, आप लोग भी एक एजेंट की तरह काम करते हो जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो प्राइमेट्स हैं, जैसे कि आपके लेमर्स हैं या आर्बोरियल रोडेंट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सो दे हैव ऑल्सो बीन, दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. क्लियर? सो इसको जूफिली कहते हैं. सो जूफिली में फर्दर क्लासिफिकेशन, जूफिली हो गया, फर्दर क्लासिफिकेशन इसमें जिस तरह आप लोगों को पता है कि क्लासिफिकेशन है, जैसे कि आपके चिरोप्टेरोफिली है, आपका दूसरा एंटमोफिली है, ठीक है?
मैलेकोफिली है, ये सारे आते हैं आपके जूफिली के अंदर, ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। बट उससे पहले मुझे आपके लिए हाइड्रोफिली कंप्लीट करना है। हाइड्रोफिली का मतलब है यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है आपके पानी की वजह से, दैट इज बिकॉज ऑफ द वॉटर, वॉटर की वजह से जो ट्रांसफर हो रहा है उसको कहेंगे हाइड्रोफिली। अब देखो ये ऐसे है ना, वेलिसनेरिया के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो यहाँ पे पॉलन्स यहाँ से निकले, ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद आपके स्टेमिनेट फ्लावर थे, ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद वो पहुंचे आपके पिस्टिलेट फ्लावर की तरफ, वो पॉलिनेशन शो कर देंगे। सो एक वाटर करंट से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, पानी बहता चला जा रहा है एंड पॉलन को लेता चला जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ हाइड्रोफिली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अडेप्टेशन होती है हाइड्रोफिली, जो आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पॉलन्स होते हैं, आप लोग देखोगे कि भी उनके जो पॉलन्स होते हैं वो बाहरी तौर पर एक म्यूसिलेज से कवर होते हैं, ठीक है। सो पानी से अपने आप को बचा के रखते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ म्यूसिलेज बन जाता है। सो दीज आर द अडैप्टेशंस, सो इनको अडैप्टेशंस कहते हैं। ओके, नाउ अब देखो यहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत छोटू से होते हैं और इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, ठीक है। पेरियांथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल, वो वेटेबल नहीं होता क्योंकि इनके चारों तरफ क्या है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। क्या मुझे यहाँ पे नेक्टर की जरूरत है? नेक्टर तो तब आता है ना जब हम बोलते हैं कि भाई हमें इंसेक्ट आया और इंसेक्ट ने आके नेक्टर कलेक्ट किया, तो उससे एक म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। अब यहाँ ना तो मुझे इंसेक्ट चाहिए तो मैं फालतू का अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ नेक्टर को बनाने में, सो यहाँ पे नेक्टर की जरूरत नहीं चाहिए। उसके अलावा वी डोंट इवन नीड ऑर्डर, ऑर्डर की भी जरूरत नहीं पड़े। अरे पानी के अंदर प्रेजेंट है, खुशबू डाल के क्या करेंगे, है कि नहीं। सो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे फिर से लाइट होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पता, उनके पास क्या होगा, म्यूसिलेज का कवर होगा ताकि वो अपने आप को बचा पाए। इज इट क्लियर, एम आई राइट? चलिए, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, तुम साइमल्टेनियसली बेटा इस वीडियो को लाइक भी करते जाओ, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस वीडियो। सो डू इट एज सून एज पॉसिबल, जिन जिन ने लाइक नहीं किया लाइक करो। ओके, तो साइमल्टेनियसली बच्चे बहुत एक्साइटेड है और आंसर मुझे दे ही जा रहे हैं। यस 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 यस, नाउ स्टिग्मा इज लॉन्ग स्टिकी बट अनवेटेबल। स्टिग्मा भी क्या होता है, जो अनवेटेबल होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है और स्टिकी होता है, वो लंबा सा होगा और पानी के बिल्कुल सरफेस तक आ रहा होगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पॉलन को अपने साथ लेके चले, ठीक है, ताकि इंश्योर कर सके वो पॉलिनेशन के प्रोसेस को। ओके, अगला क्या है, एग्जांपल्स जो हैं आपके हाइड्रोफिली के, लेट्स हैव अ लुक इसमें आप क्या आ गए। हाइड्रोफिली अकर इन 30 जनरा ऑफ द मोस्ट मोनोकॉट्स, इसमें वेलिसनेरिया, जूस्टेरा, सिरेटोफाइलम एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो कई आपके जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, अब आप सारे एक्वेटिक प्लांट्स आपके हाइड्रोफिली नहीं शो करते, कई एक्वेटिक प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो पानी से बाहर निकले हुए होते हैं, वहाँ पे वो विंड की ज़रूरत होती है और या उनको इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ जो प्लांट्स सबमर्ज्ड होंगे पानी के अंदर तो उनको तो पानी के करंट से ही पॉलन मिल पाएंगे, ठीक है, वहाँ इंसेक्ट्स तो पानी के अंदर नहीं जाएंगे ना उनको पॉलन पहुँचाने के लिए, ठीक है, या फिर आपके बर्ड्स तो नहीं जाएंगे पानी के अंदर पहुँचाने के लिए। बट जिनके इमर्जेंट फ्लावर्स होते हैं, जिनके फ्लावर पानी के सरफेस से ऊपर आ रहे होते हैं, वहाँ पे उनको विंड की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे उनको इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें एग्जांपल है हम सबका प्यारा लोटस प्लांट, सबको अच्छा लगता है, वाटर लिली, द वाटर हयासिंथ, अगर आप इनको देखोगे ना इनके फ्लावर्स पानी के सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये मत बोल देना कि सारे एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं सब में हाइड्रोफिली होता है, याद रखना जिनके फ्लावर की पोजिशन पर डिपेंड करता है, फ्लावर है पानी के नीचे तब वहाँ पे ऑब्वियसली जरूरत होगा, जब पानी के बिल्कुल बाहर निकल रहा है तो वहाँ पे क्या जरूरत है, वहाँ पे कैसे पॉसिबल होगा, खुद से इमेजिन करो। मैम एनसीईआरटी सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, बेटा एनसीईआरटी शुड बी योर गॉड, वो गॉड होनी चाहिए आप लोगों की, बट एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दे रखी हैं, वो कई बार जब हम पढ़ने बैठते तो हम लोगों को वो चीज़ें वो टॉपिक नहीं समझ में आता, तो उसको इलैबोरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो बोल रहे हो कि सेशन देखना पड़ेगा, हाँ अगर आप सेशन देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे ये सेशन चल रहा है,
ठीक है, अगर आपने ये सेशन देख लिया और उसके बाद अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको एनसीईआरटी बहुत ईजी लगेगी कि भी हाँ हमें सब समझ में आ रहा है। बट अगर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे और उसके बाद ये सेशन देखोगे ना, तब आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की थोड़ी सी लैंग्वेज जो होती है ना वो ट्रिकी होती है। सो अगर आप सेशन देखो और एनसीईआरटी एवरीथिंग लाइक यू डोंट नीड एनीथिंग, ठीक है। और आप लोगों को पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, इफ़ यू वॉन्ट नोट्स ऑफ दिस वीडियो देन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी नहीं, वंस दिस वीडियो विल बी देयर ऑन यूट्यूब, जो आपको थोड़ी देर में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंटोमोफिली। नेम इटसेल्फ इंडिकेट एंटो मतलब एंटोमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सो एंटोमोलॉजी मतलब मैं बात कर रही हूँ आपकी इंसेक्ट्स की। सो इंसेक्ट्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इसमें आते हैं आपके बटरफ्लाइज, लेट मी टेक अ पेन, इसमें आते हैं आपके बटरफ्लाई, वास्प, बीज, बीटल्स एक्सेट्रा, ठीक है। मोस्ट कॉमन और 80% जो यहाँ पे ट्रांसफर होता है, जो पॉलन का ट्रांसफर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एंटोमोफिली। इज इट क्लियर? मैम नीट के क्वेश्चन भी बताओ। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कि एंटोमोफिली जो प्लांट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल बताओ, या फिर आपके मैच द कॉलम्स आ गए, यहाँ पे लिखा एंटोमोफिली, चिरोप्टेरोफिली, एनिमोफिली, और यहाँ पे लिख दिया उन एजेंट्स के इलैबोरेट करके नाम, तो आपको बताना एंटोमोफिली इंसेक्ट है, चिरोप्टेरोफिली आपके बैट्स है, लाइक दिस यू हैव टू मैच द कॉलम्स, ठीक है। और जब भी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो आपको ना ये जो कॉलम वाइज पेपर होते हैं जहाँ पे आपको मैच द कॉलम्स होता है, प्रैक्टिस करते वक्त ये वाले क्वेश्चन कभी छोड़ा मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपके चार क्वेश्चन की फर्दर प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये कभी नहीं छोड़ोगे आप लोग, ठीक है। वंस आई विल कम्प्लीट दिस चैप्टर, तो मैं 1-1 mark के इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर आप लोगों से डिस्कस करूंगी, तो वो आपकी CBSE के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो आपके नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस तो अप्रॉक्सीमेट सेम ही होता है। नेक्स्ट है आपका चिरोप्टेरोफिली, ऑल थैंक्स टू बैट, सो बैट की वजह से होता है ये, ठीक है। पॉलिनेशन दिस इज परफॉर्म बाय द बैट्स, ठीक है। बैट्स क्या होते हैं, आपके नॉक्टर्नल होते हैं, फ्लाइंग मैमल्स हैं, विच कैन ट्रांसपोर्ट द पॉलन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस अप टू 30 kilometers, सोचो 30-30 kilometers तक ये ट्रांसफर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब है हम बात कर रहे हैं बर्ड्स के बारे में, ठीक है। सो इसमें क्या है, परफॉर्म बाय द बर्ड्स, और बर्ड्स यहाँ पे आती हैं, उनकी लॉन्ग बीक होती है, वो छोटी छोटी साइज की जो बर्ड्स होती है, एग्जाम्पल्स है आपका हमिंग बर्ड्स, ठीक है, सन बर्ड्स एग्जाम्पल है। सो ये क्या करती है, दे ऑल्सो हेल्प इन द पॉलिनेशन प्रोसेस। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं बेटा? बेटा आई विल टेल यू विकास, मैं आपको बताऊंगी कि आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आफ्टर दिस सेशन, जब ये कंप्लीट हो जाएगा आई विल डेफिनेटली लेट यू। सो नेक्स्ट वी हैव इज ऑर्निथोफिली। इसमें जो जो प्लांट्स जो ऑर्निथोफिली शो करते हैं, दीज आर द प्लांट्स, ठीक है, लोबियला, अगेव, बिगोनिया। नेक्स्ट है आपका मेलाकोफिली। मेलाकोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ दीज स्नेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या क्या आते हैं, यहाँ पे आपके आते हैं एरिसेमा, ठीक है, यहाँ पे आते हैं आपके एरम लिलीज, क्लियर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ स्नेल। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पॉलिनेशन। बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमें शेड्यूल नहीं पता, बिल्कुल सही। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी जिन्होंने आंसर दिया है, वेल डन। सो बच्चे शेड्यूल पूछ रहे थे, सो फॉर देम आई वुड लाइक टू टेल यू कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यहाँ पे 11th क्लास होती है, मैं सुबह 9 बजे, माय नेम इज छवि, मैं सुबह 9 बजे आती हूँ एंड वी डिस्कस 11th क्लास। एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हम डिस्कस करते हैं 12th क्लास के बारे में, ठीक है, सुबह 9 बजे। सो मंडे टू सैटरडे मैं सुबह 9 बजे यहीं पे अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पे आपको मिलती हूँ। कोई भी डाउट हो अपना डाउट लेकर आइए। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लाइव डेली में, हम चैप्टर 1 by 1 कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे, डू वॉच देम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट write in a comment section, and if you like this video do like it, if you like wanna comment please comment, ठीक है। so comments, अच्छे अच्छे comments भी हम लोगों को motivate करते चले जाते हैं, clear? okay, now सबसे पहले बच्चे पूछ रहे थे कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है मैम, जब आप सारी चीजें आके यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो। देखो वहां पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस। अब जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर कर रहे हैं कि मैम ये इसका पर्टिकुलर आंसर ये है, या उनके डाउट्स हैं, सॉरी फॉर दैट कि मैं वो डाउट्स यहाँ पे अभी नहीं ले पा रही, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं कमेंट्स कर रहे हैं, सो एक टाइम नहीं मिल पाता, होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट।
सो इसीलिए अगर आपको आप अन अकेडमी पे आओगे वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वन आफ्टर अनदर आपकी क्लासेस होती चली जाती हैं। कोई भी आपका डाउट होता है वो हम डाउट क्लियर करते हैं पर्सनली, हम बच्चे के डाउट्स क्लियर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो हम लोगों के साथ, अपने एडुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है वहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा तो बच्चे क्या करते हैं आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे क्या होता है हम लोग लाइव पोल्स कराते हैं। तो हमने क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पे पोल हुआ कि भी बच्चे ने किस बच्चे ने कितना आंसर कब आंसर दिया, कितने सेकंड्स के अंदर आंसर दिया, तो हम भी चेक करते हैं। इसमें बहुत ही मज़ा आता है, एक इंटरेस्टिंग वे में हम इस लीडर बोर्ड को इंजॉय करते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं, इनफैक्ट स्टूडेंट भी इंजॉय करते हैं। भाई कॉम्पिटिशन में क्या हम इतने सेकंड में आंसर करेंगे, हम इतने जल्दी आंसर किया, लाइक दिस, ये होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, वहाँ पे आपकी कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज चलती रहती है, वंस द चैप्टर इज कंप्लीट आफ्टर दैट वी हैव अ टेस्ट सीरीज फॉर टेस्ट फॉर दैट चैप्टर। सो टेस्ट जैसे ही आपका खत्म हो जाता है उससे आप लोगों को भी पता लगता है कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, सो लाइक दिस। नाउ अदर देन दैट द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस जो आपको शायद यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं मिल पाते, सो यहाँ वहाँ पे आपको मिलेंगे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को पता है प्लस पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आपका चल रहा है प्लस पे कल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, ठीक है। होप जो जो बच्चे प्लस के होंगे वो अपने डाउट्स इकट्ठे कर रहे होंगे एंड हम वहाँ मिलेंगे, हम डाउट क्लियरिंग सेशन में मिलेंगे, हम डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पता है ना जिन बच्चों को, सो प्लीज़ ज्वाइन इट एज सून एज पॉसिबल एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड डू कमेंट ऑल्सो, क्लियर। नाउ बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कैसे कैसे कमेंट करना है, व्हाट यू हैव टू डू। द फर्स्ट थिंग इज आप लोग क्या करोगे, आप ये ऐप खोलोगे, आप प्ले स्टोर में जाओगे, यू विल डाउनलोड दिस ऐप दैट इज अन अकेडमी लर्निंग ऐप। डाउनलोड करने के बाद यू विल इंस्टॉल इट, इंस्टॉल करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड के ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे बेटा तो वहाँ पे आपको प्लस पे टिक करना है, उसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास पे टिक करना है 11th एंड 12th, देन यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर इट, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया डू इट। सो 2500 का जो सब्सक्रिप्शन है जिस तरह की मैंने आप लोगों को बताया दैट यू आर गेटिंग जस्ट एट ₹99। सो अगर आपको आज का सेशन समझ में आया हो और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस आपको देखने हो, ऐसे इंटरेक्टिव वे में बायो को पढ़ना हो, समझना हो, रटना नहीं हो, तो आपको मुझे मिलना पड़ेगा प्लस पे, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड दैट इज CHLIVE, अदरवाइज आपको 2500 पूरा पे करना पड़ेगा। इफ यू विल यूज दिस कोड दैट इज CHLIVE तो आपको ये सेशन मिलेगा जस्ट एट ₹99। सो वन मंथ का सब्सक्रिप्शन आज ही ले लो, सो डू इट एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज जिनको 6 मंथ का चाहिए, 12 मंथ का चाहिए, दे कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। वो भी अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एडिशनल 10% ऑफ, ठीक है। दिस इज अ कॉस्ट फॉर द 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, दिस इज अ कॉस्ट फॉर द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। नाउ सो जिन जिन ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, इसको फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करो। PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, प्लीज शेयर इट विद द हैशटैग लाइव स्कूल डेली, ठीक है। चलिए सिर्फ 11th एंड 12th नहीं, यहाँ पे आप नीट के लिए, JEE के लिए, 9th 10th के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं। सो आप रिस्पेक्टिव चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। ओके सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड दैट इज अ CHLIVE, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, 2500 नाउ जस्ट एट ₹99। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग दिस लॉकडाउन पीरियड, विल मीट यू एट प्लस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।